क्वेश्चन नंबर 21, बैभव लिमिटेड इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन, 10,000 शेयर्स इशू किए इन्होंने, कितने शेयर इशू किए हैं? 10,000, एक शेयर कितने का है? 10 ईच, ठीक है, एक शेयर 10 रुपए का है, जिसको इशू किया है एट 10% प्रीमियम। अब ये तो तुम समझ ही गए होगे कि कितने में इशू होगा ये शेयर, 10 का शेयर कितने में इशू होगा? 11 में, ठीक है, डिफरेंस 1 रुपए क्या होगा? प्रीमियम। आगे की कहानी देख लो, अमाउंट पेबल कैसे था, एप्लीकेशन पर कितना रुपए है? एप्लीकेशन पर 3 रुपए है, अलॉटमेंट पर कितना है? 4 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना है? 4 है, टोटल हो गया क्या? 11। अब भाई टोटल 11 हो गया तो इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम 3+1 हो जाएगा। आगे की कहानी सुनो, एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए, इशू तो इतने किए थे बट रिसीव कितने हुए? बोलो, 9,000। इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन क्या काम बनेगा, क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है? कितना? 90%। बोले सही है, कोई बात नहीं, नोट देने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल 100 शेयर्स। भाई इन शेयर होल्डर्स में से, ठीक है, इन शेयर होल्डर्स में से एक शेयर होल्डर ऐसा था, यानी एक तो था 100 वाला और एक था अदर, ठीक है, या बाकी थे अदर, कितने? 8,900। इसने जब एक्सेप्ट 100 कॉल्स विच वर फॉरफिटेड, क्या नहीं पे किया इसने? ड्यू टू रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल, यानी इसने ये मंगाया दिया, ये मंगाया दिया, बट ये नहीं दिया, और बाकी सबने तो सब कुछ दे दिया, ठीक है। कंपनी ने सारे के सारे शेयर, जितने भी 100 शेयर थे, फॉरफिट कर लिए और इनमें से रीइशू किए कितने? 50 शेयर्स। ये कंपनी की प्रॉपर्टी बन चुके हैं 100 शेयर्स। अब 100 में से 50 जब चाहे वो रीइशू कर सकती हैं, रीइशू कर दिए गए हैं, कितने शेयर्स? 50 एट द रेट एक शेयर कितने में? 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। आगे हमको एंट्रीज करनी है, फुल एंट्रीज करेंगे ताकि हमें पुराना भी जो हमारा भूल भुलैया चल रहा है ना, याद आ जाए। ठीक है, जनरल एंट्रीज कर रहे हैं हम लोग, मुझे ज्यादा जगह की जरूरत होगी। सबसे पहले मुझे बताओगे पहली एंट्री क्या करेंगे, शुरुआत से? वेरी गुड नौटंकी, शुरुआत से करना मतलब सब कुछ करना, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, पूरा फॉर्मेट आप बनाओगे इन द बुक्स ऑफ जो भी है, वैभव लिमिटेड या जो भी नाम दिया है। सबसे पहले किसका पैसा आया होगा? शेयर एप्लीकेशन का, कितना पैसा आया होगा बोलो? 9,000 मल्टीप्लाई विथ, याद रखना इशूड और रिसीव्ड विच एवर इज लेस से एंट्री करना है आपको, ठीक है। तो एक शेयर पर कितना मंगाया था? 3 रुपए, तो कितना आया? 27, ठीक है। जब तक एग्जाम में ये ना बोले कि पास द नेसेसरी, या ये ना बोले पास द जनरल एंट्री रिगार्डिंग रीइशू, रिगार्डिंग फॉर फ्यूचर रीइशू एंड ट्रांसफर, तब तक आप ये समझ लेना वो पूरी एंट्री डिजर्व कर रहा है। आप समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या बोला है? फिलहाल में इन द बुक्स ऑफ कंपनी, और आगे कुछ नहीं बोला भाई। ये आप क्या देख रहे हो, ये देखो 21, लिखा ना पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज बोला है उसने, ये नहीं बोला है कि आप रीइशू और ट्रांसफर की करो। सर अब क्वेश्चन ही गलत पड़ रहा है। फिर अब इस पैसे को कहां ट्रांसफर करना है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कहां? शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना? 27, बेबी 27। अब तीसरी एंट्री क्या होगी बोलो? पहले हमको पैसा ड्यू करना पड़ेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बोलो कुछ, सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन लिखेगा? ठीक है, बोलो कितना कितना आएगा अमाउंट, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा?
9000 इंटू तीन के हिसाब से कितना 27 प्रीमियम में कितना जाएगा 9000 इंटू एक के हिसाब से 9000 और हमारे पास जो अलॉटमेंट के नाम से ड्यू कितना करेंगे 9000 इंटू फोर तो कितना हो जाएगा 3600। ठीक है पूरा पैसा रिसीव भी हो गया एंट्री क्या होगी बोलो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा किस नाम से मंगाया शेयर अलॉटमेंट के नाम से कितना बोलो कितना आएगा 36000 आएगा कि नहीं बाकी जनरल एंट्री में इधर कर रहा हूं ताकि वहीं पर हमको फॉरफीचर की एंट्री भी करनी है ठीक है बोलो पांचवी एंट्री क्या करोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल है ना सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना पैसा मंगाएंगे बोलो 9000 इंटू चार के हिसाब से ना मंगाएंगे तो पूरा ना हमें सपना थोड़ी ना आया है कि एक बंदा डिफॉल्ट करेगा छठी एंट्री क्या होगी बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और कुछ होगा इसमें कॉल सिनेरियोस है ना तो ये यहां पर क्या जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कितना बोलो भाई पैसा हमने मंगाया कितना था 36 लेकिन आएगा कितना ये लोग देंगे सिर्फ 8900 शेयर होल्डर देंगे और कौन नहीं देगा जिस बंदे ने डिफॉल्ट किया है तो 400 रुपए नहीं आएंगे बाकी सब आ जाएगा 35600 इसी एंट्री की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा इसके शेयर फॉरफिट करने पड़ेगा अब यहां से एंट्री रिवर्स अब यहां से हम बोल सकते हैं इसको हम बोलेंगे फॉरफिचर की एंट्री या फिर आप इसको नंबर देना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कौन से नंबर की एंट्री 7 नंबर की सॉरी देखो हमने शेयर कैपिटल हमने 3 बार क्रेडिट किया होगा कहां कहां एक यहां पे एक यहां पे और एक यहां पे इसमें वो लोग वो वाला शेयर होल्डर भी इंक्लूड है ना जिसके पास 100 शेयर है समझ में आ रहा है ये हम कितने से कर रहे हैं 9000 हर जगह कितने से कर रहे हैं 9000 यहां पे भी देखा जाए तो 9000 यहां पे भी देखा जाए तो 9000 अब हमको एंट्री रिवर्ट सबको थोड़ी करना है किसको करना है सिर्फ जिसने डिफॉल्ट किया समझ में आ रहा है तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करने वाले हैं रिवर्स करने वाले हैं एंट्री को शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ओनली कितने शेयर से 100 और कॉल्ड अप कितना था पूरा लेकिन पूरे में क्या था प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड बोलो इफ प्रीमियम रिसीव्ड देन एंट्री नॉट रिवर्स तो इसको कॉल्ड अप कितना होगा पार वैल्यू 10 तो कितना हो जाएगा 1000 पैसा किसका नहीं आया बोलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया था बोलो कितना नहीं आया था और हम चाहते तो जरा ध्यान देना मैं इसको CIA लिख सकता हूं कि नहीं क्योंकि जरा ध्यान से देखो भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो कट गया था ना बोलो कटा था कि नहीं ज्यादा अच्छा क्या है CIA है लेकिन क्या करें हमारी बुक के पैटर्न में क्या दिया है फर्स्ट एंड फाइनल ज्यादातर क्वेश्चन उसको अल्टरनेटिव में डालते हैं जबकि अगर देखा जाए जब वो एंट्री कर दी तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो फिनिश हो गया था ना बोलो हो गया कि नहीं अब बचा क्या था इसकी जगह पे ज्यादा अच्छा क्या लगेगा मुझे क्या अच्छा लगेगा CIA समझ में आया ये ज्यादा अच्छा है लेकिन क्या करें हमारी बुक में ज्यादातर क्वेश्चन में तो वही दिया रहता है डायरेक्ट एंट्री करते हैं इसलिए लेकिन अभी यहां पर मैं जब मैं पूरी एंट्रीज कर रहा हूं तब तो ज्यादा अच्छा कौन सा है इसको और इसको काट दिया तो सर इसकी जगह क्या आ गया था CIA ठीक है क्योंकि अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो खत्म तो इस सिचुएशन में CIA ज्यादा अच्छा है टू जो पैसा खाएंगे उसको क्या बोलेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफिटेड अकाउंट ठीक है
तो कितना आ जाएगा 400-600 उसके हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। अब उन्हीं शेयर्स में से कुछ शेयर्स को फॉरफिट किस रेट से किया बोलो, 6 के रेट से ना, क्योंकि रेट का बड़ा कमाल है, आगे जाके बड़ा रेट हमको हेल्पफुल होता है, ठीक है, जब पार्शियली इशू करते हैं हम लोग। 8th एंट्री क्या होगी बोलो, किसकी है ये, री इशू की। अब तो एक ही बार में इशू करेंगे हम लोग, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फिर से कैपिटल रेज करेंगे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो कैपिटल हमारी कम पड़ गई उसको फिर से बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो हर जगह आप देखोगे, अगर इससे ये कट जाता था एप्लीकेशन से एप्लीकेशन, तो क्या बचता था, बैंक टू कैपिटल ही बच रहा था ना, वो मैंने एक ही बार में रीशू कर दिया। लेकिन रीशू कितने में किए ये बात जरूरी है, जरा सॉरी थोड़ा मुझे जगह चाहिए होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा कितने से क्रेडिट होगा, पार वैल्यू के हिसाब से। तो पार वैल्यू 50 शेयर इशू किए गए और पार वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 500। लेकिन शेयर होल्डर कितना पैसा दे रहा है, 8 रुपए, तो आए कितने यहाँ पर सिर्फ 400, 100 रुपए कम पड़ गया, कहाँ से ले लेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से लेंगे ना, हमारे पास तो ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है। कितना 50 × 2 के हिसाब से कम पड़ा ना, तो अब खाया 6 रुपए के रेट से था पर शेयर, 2 रुपए एडजस्ट हो गया, तो पर शेयर कितना बच गया, 4 रुपए बच गया, वेरी गुड। तो अब इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी 9th नंबर पर। एंट्री क्या होगी बोलो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, तुम लोग बुद्धिमान हो जल्दी निकाल लोगे, बोलो कैसे, कितना जाएगा 50 × 4, क्योंकि 6 के रेट से पर शेयर खाया था, 2 के रेट से यूटिलाइज कर लिया, तो 4 रुपए पर शेयर न्यूट्रल बचा या फ्री बचा, उसके हिसाब से 200 रुपए कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। फाइनली एंट्री आपकी हो गई। तो हम ये 3 एंट्रीज को कर सकते थे, लेकिन जब आपका क्वेश्चन आएगा कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपसे वो बोल नहीं रहा है, तो भाई फिर तो आप ना शुरू से शुरू करोगे, यानी आप यहाँ से लेकर वहां तक की एंट्रियां करोगे, ठीक है, कोई डाउट नोट कर लो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।